नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन देखने को मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के दूत इसी यमपुरी में ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। लेकिन मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमराज की वह सभा कैसी है जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं दी जाती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, जब भगवान श्री विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, लेकिन कृपया करके आप मुझे यह भी विस्तार पूर्वक बताएं कि यमराज की वह सभा कैसी है जहाँ इंसानों और पृथ्वी लोक के अन्य प्राणियों के आत्मा को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर यमराज की सभा में कार्यवाही के बाद उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजा दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे पक्षीराज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, वह यमपुरी में निवास करते हैं। यमराज का यह लोक 86,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यमपुरी में यमराज जिस महल में निवास करते हैं, उसे कालित्री के नाम से जाना जाता है। यमराज के इस भवन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं, उस सिंहासन को विचारभू कहा जाता है। यमराज का यह महल चौकोर है। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में यह महल चमकती हुई और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान पूरी दिव्यमान है। उस पूरी में जो धर्मराज का भवन है, वह स्वर्ण के समान क्रांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खम्भों वाला यमराज का यह भवन कई तरह के मड़ियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियां उस भवन में हमेशा गूंजती रहती है। यहां पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिनके बीच अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते हैं। धर्मराज का यह लोक अभेद माना जाता है। यह लोक इतना सुरक्षित है कि यहां असुर तो क्या देवता भी यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्म ध्वजा कहा जाता है। यहाँ महांड और काल पुरुष नाम के दो प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश करवाते हैं। सात्विक विचार वाले माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है, वही साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाले लोगों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, लेकिन जो लोग पापी आत्माएं होते हैं, उन्हें दक्षिण द्वार से प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा प्रवेश करती है, उसे किसी भी तरह की कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस द्वार से जो आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनका स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहाय चित्रगुप्त जी का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन है, जिसकी ऊंचाई 10 योजन है। चित्रगुप्त का यह भवन लोहे की सरियों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और यह सुंदर फूलों से सजा रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्त मणियों से निर्मित एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। इसके अलावा जो भी प्राणी कोई भी कर्म करता है, उन सबको चित्रगुप्त लिखकर रखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। उनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद
जब मृत आत्मा को यमलोक में प्रस्तुत किया जाता है तो पृथ्वी लोक की तरह ही यहाँ भी सभा का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुँचते ही चित्रगुप्त एक एक करके उसके कर्मों के बारे में सभा में पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेकर उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं। इसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है, और अगर कोई आत्मा अपने जीवन काल में पाप से भी अधिक पुण्य अर्जित किया रहता है तो उसे स्वयं यमराज स्वर्ग लोक के प्रवेश द्वार तक छोड़ने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मृत्यु के बाद जब आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है, और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उसका पाव जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पाव में फोड़े पड़ जाते हैं जो बड़ी ही पीड़ादायक होते हैं। इस मार्ग में वृक्षों की कोई छाया नहीं है जहां वह विश्राम कर सकें। इतना ही नहीं, जो बुरी कर्म वाली आत्माएं होती हैं, उनके लिए अन्नादि की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपनी प्राण की रक्षा कर सकें। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पुण्य आत्मा को इस मार्ग में सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक वस्तुओं का दान करे ताकि उसे मृत्यु के बाद किसी भी तरह के कष्टों का सामना न करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्यों के साथ वही जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य करके अर्जित किया होता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।